निजामुद्दीन दरगाह कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान बंद रही, यह सब हम भलीभांति जानते हैं। लेकिन अब निजामुद्दीन दरगाह फिर से 6 सितंबर से सभी लोगों के लिए खुलने जा रही है। दरगाह में नियमों का पालन हो सके और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इसलिए जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निशान भी बनाए गए हैं। लोगों के लिए सैनिटाइजर मशीन की भी व्यवस्था की गई है। दरअसल कमेटी ने पहले भी दरगाह खोलने का फैसला लिया था, लेकिन उस वक्त यह फैसला वापस ले लिया गया था। नमस्कार, मैं वाणी शर्मा, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। निजामुद्दीन दरगाह के इंचार्ज सैयद अदीब निजामी ने IANS को बताया था कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही दरगाह के अंदर इंतजाम किए गए हैं। दरगाह में आने वाले हर शख्स को नियमों का पालन करना होगा, इस वजह से लोगों के लिए जगह जगह पर निशान भी बनाए गए हैं। दरगाह में आने वाले व्यक्ति को अब मास्क लगाना जरूरी होगा। ऐसे में दरगाह जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य भी होगा, वरना उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरगाह में जगह जगह सैनिटाइजर करने के लिए मशीन भी लगाई गई है, उनका इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। दरगाह के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। टेम्परेचर सही होने पर ही अंदर जाने की अनुमति होगी। साथ ही श्रद्धालुओं को दूरी बनानी होगी और दरगाह में कैमरे से लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं को दरगाह में अंदर रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ही मजार को छू सकेंगे और ना ही उन पर फूल चढ़ा सकेंगे। दरगाह के अंदर वुजू मतलब कि हाथ मुंह धोने की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि दरगाह में अगले आदेश तक कव्वाली भी नहीं होगी। वहीं 10 वर्ष के कम उम्र और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दरगाह में प्रवेश नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए प्रगति मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।